नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा के मद्देनजर शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। विभिन्न जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रदेश के 21 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा फिर से बंद कर दी गई है। इसमें अधिकांश वे जिले शामिल हैं जहां पिछले सप्ताह हिंसक प्रदर्शन हुए थे। डीजीपी ओम प्रकाश सिंह की ओर से सभी जिलों के अध्यक्षों को भेजे गए निर्देशों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए लागू की गई जोन और सेक्टर की व्यवस्था को जारी रखने के लिए कहा गया है। जिलों में मस्जिदों के इमामों से संपर्क कर उनसे नमाज के बाद शांति बनाए रखने की अपील करने का आग्रह किया गया है। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि फिलहाल सभी जगह स्थिति ठीक है, पुलिस सभी जगह पर नजर बनाए हुए है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह प्रदेश में अलग अलग शहरों में जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए इस बार विशेष सतर्कता बरती गई है। डीजीपी ओम प्रकाश सिंह की ओर से शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पिछली बार की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए 120 कंपनी पीएससी और लगभग 35 कंपनी अर्धसैनिक बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भारी संख्या में सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की गई है। सभी जिलों में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वह उपलब्धता के आधार पर ड्रोन कैमरों का भी प्रयोग करें। पुलिस कर्मियों को पैदल गश्त, आम लोगों के साथ संवाद करने और वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रमणशील रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रों को जोन और सेक्टर में बांटने की व्यवस्था को जारी रखने के लिए कहा गया है। जिलों में मस्जिदों के इमामों से संपर्क कर उनसे नमाज के बाद शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जहां पिछले सप्ताह हिंसक प्रदर्शन हुए थे वहां पे खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा में बिना साक्ष्य के किसी की गिरफ्तारी ना की जाए। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों से कहा है कि हिंसा के मामले की जांच के लिए अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन करें। जिस जिले में अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम का पद नहीं है वहां किसी अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन करें। सभी जिलों में अधिकारियों को भेजे निर्देशों में डीजीपी ने कहा कि किसी भी हाल में बिना साक्ष्य किसी की गिरफ्तारी ना की जाए। जो भी एफआईआर दर्ज की गई है उसमें पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी पर कितना अपराध है, उसी के हिसाब से कार्यवाही की जाए। अभियुक्तों की गिरफ्तारी में मारपीट की घटना ना होने पाए। डीजीपी ने अधिकारियों को आगाह किया है कि गुण दोष के आधार पर ही विवेचना की जाए, किसी भी तरह से भ्रष्टाचार की स्थिति ना पैदा हो पाए। शुक्रवार की नमाज के बाद कोई अफवाह ना फैले इसके लिए कई जिलों में अगले 24 घंटे के लिए जिला अधिकारियों द्वारा इंटरनेट सेवा आंशिक या पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। इनमें प्रमुख रूप से कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, बिजनौर, हापुड़, सहारनपुर, रामपुर, अमरोहा, बहराइच, बरेली, मुजफ्फरनगर, संभल, वाराणसी, आजमगढ़, मुरादाबाद, आगरा शामिल है। इन लगभग सभी जिलों में सीएए के विरोध में हिंसा हुई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि किस जिले में प्रशासन ने क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की। यहां शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ साथ आरएसएफ, आईबी, आईटीबी, एसएसबीपी और पीएससी के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। शुक्रवार को संवेदनशील इलाकों की निगरानी ड्रोन से भी होगी। सेना भी सक्रिय है। एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को दो दो कंपनी आरएसएफ और आईटीबीपी, चार कंपनी पीएससी और एक कंपनी एसएसबी तैनात रहेगी। 2000 सिपाही, 500 दरोगा और 100 इंस्पेक्टर भी तैनात रहेंगे। जालौन और उन्नाव से अतिरिक्त पुलिस बल मंगा लिया गया है। बृहस्पतिवार शाम से ही पुलिस बल ने अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों समेत करीब 200 पुलिस कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए हैं। ड्यूटी के वक्त वह इन कैमरों से लैस रहेंगे। इस कैमरे में क्षेत्र की हर गतिविधि कैद होगी। अगर किसी ने कोई खुराफत करने की कोशिश की तो उसकी हरकत कैमरे में कैद हो जाएगी, जिससे वह आसानी से पकड़ में आ जाएगा।
वहीं अब बात करते हैं गोरखपुर की। पिछले जुमे शहर में नमाज के बाद हुई हिंसा से सबक लेकर इस जुमे की नमाज पर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले में 612 हॉटस्पॉट यानी सार्वजनिक संवेदनशील स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। इन सभी जगहों पर फोर्स के साथ साथ एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसी तरह से थाने में 4-4 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए SDM रैंक के सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। SDM राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इसके अलावा कमिश्नर, ADG, रेंज, DM, SSP समेत सभी आला अफसर लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते रहेंगे। पुलिस के मुताबिक जिले को क्षेत्रीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। पैरामिलिट्री PSC के अलावा पुलिस बल की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे उड़ाकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगी। शहर की सुरक्षा की कमान संभालने के लिए 2 अतिरिक्त SP के अलावा बाहर से फोर्स भी बृहस्पतिवार को पहुंच गई। SSP डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने कोतवाली, राजघाट, तिवारीपुर समेत कई इलाकों में घरों के बाहर रखी गई ईंटों को इटावा दिया है। इसके साथ ही कुछ संवेदनशील घरों की छतों को भी पुलिस ने ड्रोन की मदद से जांच किया है। मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली समेत समूचे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट रहेगा। जुमे की नमाज को देखते हुए मेरठ शहर में 22 संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। वहीं बृहस्पतिवार दोपहर DM के आदेश पर शुक्रवार को शनिवार को 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, वहीं आपको बता दें कि बिजनौर और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली में भी प्रशासन अलर्ट है। बृहस्पतिवार को जगह जगह पैदल मार्च निकाला गया। जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था बताई गई है। धारा 144 लागू है तथा इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। किसी भी तरह के प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर पूरी तरह से पाबंद है। बिजनौर में 10 कंपनी PSC व अर्ध सैनिक बल को लगाया गया है। मुजफ्फरनगर शहर में 1 सप्ताह पूर्व हुए उपद्रव वाले स्थानों में मदीना चौक, कच्ची सड़क, मीनाक्षी चौक, फकर शाह चौक व अन्य स्थलों पर भी फोर्स तैनात कर दी गई है। इसी बीच बृहस्पतिवार को सरवट क्षेत्र में विवादित पोस्टर लगाकर कुछ लोगों ने शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल उक्त पोस्टर उतारकर कब्जे में ले लिए। उधर बागपत को 4 जोन और 16 सेक्टर में बांट दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। शामली जिले को 4 सुपर जोन, 9 जोन और 58 सेक्टर में बांट कर सुरक्षा इंतजाम किए गए है। 10 QRST और 1 कंपनी PSC को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कैराना पर खास फोकस रहेगा। DM और SP ने शांति समितियों की बैठक कर शांति की अपील की है। जिले में इंटरनेट सेवाओं को बृहस्पतिवार देर शाम से शुक्रवार शाम 4 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब बात करते हैं झांसी की। झांसी में जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन फिर से सतर्क हो गया है। अधिकारियों के निर्देश पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। बृहस्पतिवार को देर शाम तक अधिकारी घूम घूम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। DM शिव सहा अवस्थी व SSP डॉक्टर OP सिंह शहर काजी, मौलानाओं व संप्रभात नागरिकों से संवाद स्थापित किया गया। देर रात शहरी इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। ड्रोन से भी कई इलाकों में नजर रखी जाएगी। हर छोटी बड़ी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। क्षेत्र में मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है। वहीं अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में जुमे की नमाज से एक दिन पहले ही शहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। 8 जोन और 34 सेक्टरों में शहर को बांटकर चप्पे चप्पे पर पुलिस और ASP पर जवान मुस्तैद आएंगे। ड्रोन से मिश्रित आबादी में पूरी निगरानी की गई है। पैदल गश्त करके पुलिस प्रशासन के अफसरों ने सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। वहीं अब मुरादाबाद में भी मुरादाबाद जनपद को 8 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है। सर्किल अफसर के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस, RSF, PSC, रिक्रूट, दरोगा की शहर में चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। साइबर सेल और सर्विलांस की टीमें सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है। 150 लोगों को पुलिस ने पाबंद किया है। बृहस्पतिवार को जनपद में फ्लैग मार्च कर लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। जोन के संभल में भी कड़े सुरक्षा प्रबंध कर दिए गए हैं। वहीं रामपुर में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इसके तहत 48 मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। सभी प्रमुख मस्जिदों के पास सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनाती की गई है। जिला अधिकारी आनंद जी कुमार सिंह ने बताया कि
रामपुर शहर में 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रात के समय भी 16 मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर रहेंगे। इस मजिस्ट्रेटों से समन्वय बनाए रखने के लिए 5 जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के मद्देनजर शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। विभिन्न जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है, ड्रोन की निगरानी की जा रही है। डीजीपी ओम प्रकाश सिंह की ओर से सभी जिलों व अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं। क्षेत्रों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए लागू की गई जोन और सेक्टर की व्यवस्था को जारी रखने के लिए भी कहा गया है। जिलों में मस्जिदों के इमामों से संपर्क कर उनसे नमाज के बाद शांति बनाए रखने की अपील की गई है। उन जिलों में खास सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं जहां पिछले सप्ताह हिंसक प्रदर्शन हुए थे। ये जो आज जुमा का नमाज है, हम कह सकते हैं 19 को जो CAA और NRC को लेकर के वायलेंस हुआ था, उसके बाद आज ये पहला जुमा है। आप लोग किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और क्योंकि कई जिलों में इंटरनेट सर्विसेज भी बंद है, क्या अलर्ट है और किस तरीके से पुलिस अपना कितना स्ट्रिक्ट एक्शन मोड में है? देखिए, पूरे प्रदेश में पिछले 4 दिनों से पूरी शांति है और लॉ एंड ऑर्डर काफी मेंटेन्ड है, लेकिन फिर भी हमने स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट अपनी फोर्स का कर रखा है उन सभी संवेदनशील स्थानों में जहां पिछले शुक्रवार को कुछ हिंसात्मक कार्रवाइयां हुई थी। उन सबों पर हमारी नज़र है, उन सबों पर हम पेट्रोलिंग, इंटेंसिव पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग कर रहे हैं लोगों की एक्टिविटीज़ को, सोशल मीडिया पर हमारी नज़र है, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आज के जुमे की नमाज सकुशल निपट जाए और अदा हो जाए। उस कल हमने पूरे प्रदेश में दिन भर हमने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स किए। हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि प्रदेश के जितने भी थाने हैं उन थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग हो, पीस कमेटी के जो कंपोजिशंस थे उसको डायनेमिक बनाया गया, और साथ ही साथ हमने चाहा कि कम्युनिटीज़ के लोगों को इस बात के लिए बताया जाए कि अगर हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं तो उससे किसी का नहीं बल्कि समाज का हित होगा। और लोगों ने इस बात की प्रशंसा की कि जो पहल पुलिस प्रशासन ने हर एक जनपद में लिया है उसे लोगों ने सराहा है। हम लोगों ने तहसील के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे भी सीनियर ऑफिसर्स के माध्यम से लोगों को बुला कर उनसे बातचीत की, एक संवाद स्थापित किया, और एक कम्युनिटी का जो इंगेजमेंट होता है, प्रोडक्टिव इंगेजमेंट होता है, इस बात पर हम लोगों ने ज्यादा बल दिया। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।